क्या कभी आपने सोचा डॉक्टर्स क्यों हर एक मेडिसिन का टाइम टेबल डिसाइड करते हैं, टाइम टेबल प्रेस्क्राइब करते हैं? किसी मेडिसिन को वो रिकमेंड करते हैं कि इसे सुबह के समय लेना है, वहीं पर किसी दूसरे मेडिसिन को रिकमेंड करेंगे कि इसे रात को सोते समय लेना है। इसका मतलब है कि मेडिसिन की जो टाइमिंग है यह एक गेम चेंजर है टू प्रोड्यूस द इफेक्ट ऑफ मेडिसिन। मैं आलोक सिंह आपके साथ डॉक्टर्स के इसी सीक्रेट को डिकोड करने की कोशिश करेंगे, जिससे मेडिसिन के इफेक्टिवनेस को मैक्सिमाइज किया जा सके और उसके साइड इफेक्ट को मिनिमाइज किया जा सके। इस सीक्रेट का राज छुपा हुआ है बॉडी के इंटरनल क्लॉक में। हमारे बॉडी के अंदर इंटरनल क्लॉक होता है जो हमारे बॉडी के बायोलॉजिकल रिदम को रेगुलेट करता है। हमारे बॉडी में समय समय पर कुछ बदलाव होती रहती हैं और ये बदलाव हमेशा रिपीट भी होती रहती हैं, और इस साइकिल को जिससे बदलाव रिपीट होती रहती हैं उसे हम लोग कहेंगे इट इज़ द बायोलॉजिकल रिदम। ये बायोलॉजिकल रिदम या ये जो हमारी रिपीट है, हमारी जो बदलाव हैं, वो हर घंटे हो सकती हैं, हर 24 घंटे में एक बार हो सकती हैं, और कुछ बदलाव ऐसे भी होंगी जो हर 28 दिन के बाद रिपीट होती हैं। 28 दिन के बाद रिपीट होने वाली जो बदलाव है बेस्ट एग्जांपल है, दैट इज़ द मेंस्ट्रुएशन साइकिल। इन तीन तरह के बायोलॉजिकल रिदम में जो सबसे प्रमुख है, जिसका इफेक्ट हमारे बॉडी पर सबसे ज़्यादा होता है, वह है हर 24 घंटे में होने वाली बदलाव और हर 24 घंटे के बाद रिपीट होने वाली बदलाव। इस तरह के बदलाव का हम लोग नाम देते हैं इट इज़ द सर्केडियन साइकिल। सर्केडियन साइकिल हमारे सोने एवं जगने के पैटर्न को डिसाइड करता है, हमारे बॉडी के अंदर हार्मोन्स के रिलीज को रेगुलेट करता है, हमारे बॉडी के अंदर जो एनर्जी लेवल है इनको रेगुलेट करता है, हमारे बॉडी के अंदर जो मूड फ्लक्चुएशंस होती हैं उस मूड फ्लक्चुएशंस को भी यही रेगुलेट करता है, यहाँ तक कि हमारी जो कॉग्निटिव फंक्शंस हैं वो कॉग्निटिव फंक्शंस भी सर्केडियन साइकिल के द्वारा ही रेगुलेट होता है। हम अपने इस सर्केडियन साइकिल को, इस बायोलॉजिकल रिदम को समझकर हम हर पल अपना सर्वश्रेष्ठ दे सकते हैं। बी योर बेस्ट एवरी मोमेंट बाय अंडरस्टैंडिंग द बायोलॉजिकल रिदम। मेडिसिन इफेक्ट भी सर्केडियन रिदम के साथ लिंक्ड होता है। डॉक्टर को इस सर्केडियन रिदम एवं बायोलॉजिकल रिदम की अच्छी जानकारी होती है। डॉक्टर इस दोनों रिदम को क्रोनोफार्माकोलॉजी के अंदर स्टडी करते हैं। क्रोनोफार्माकोलॉजी एक ब्रांच है जो हमें हेल्प करता है कि मेडिसिन के इफेक्ट को बेहतर ढंग से समझा जा सके। आप अपने सेहत को बेहतर बना सकते हैं इस क्रोनोफार्माकोलॉजी की जानकारी के द्वारा। क्रोनोफार्माकोलॉजी हमें बताती है मेडिसिन की इफेक्टिवनेस समय के साथ कैसे चेंज होगी। इट एक्सप्लेन हाउ मेडिसिन इंटरैक्शन विद द बॉडी इज लिंक्ड विद द इंटरनल बॉडी क्लॉक और द बायोलॉजिकल रिदम। जो क्रोनोफार्माकोलॉजी है वो तीन वर्ड्स के मिलने से बना है। एक वर्ड हमारा क्रोनो, दूसरा वर्ड है फार्माकॉन एंड तीसरा वर्ड है लॉगी। क्रोनो का मतलब होता है टाइम, फार्माकॉन का मतलब होता है मेडिसिंस एंड लॉगी का मतलब होता है ड्रग। मीन्स कि वैसा ब्रांच जहाँ पे हम ड्रग्स के इफेक्ट को अंडरस्टैंड करते हैं, समझते हैं, विद लिंक्ड विद द टाइमिंग। इस फार्माकोलॉजी का मेन एम है, क्रोनोफार्माकोलॉजी का एम है टू इंक्रीज द इफेक्टिवनेस ऑफ ड्रग, टू रिड्यूस द साइड इफेक्ट ऑफ ड्रग एंड टू ऑप्टिमाइज द डोज शेड्यूल। क्रोनोफार्माकोलॉजी के अंदर दो मेन आस्पेक्ट्स होते हैं, एक का हम नाम देते हैं क्रोनोफार्माकोकाइनेटिक्स और दूसरे का हम नाम देते हैं क्रोनोफार्माकोडायनामिक्स। क्रोनोफार्माकोकाइनेटिक्स ये एक्सप्लेन करता है कि ड्रग के एब्जॉर्प्शन का, बॉडी के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म और उसका एक्सक्रीशन किस तरह से लिंक्ड है हमारे इंटरनल क्लॉक से, हमारे बायोलॉजिकल रिदम से। क्रोनोफार्माकोडायनामिक ये एक्सप्लेन करता है हाउ ड्रग अफेक्ट ह्यूमन बॉडी डिपेंडिंग अपॉन द टाइम ऑफ द डे।
फॉर एग्जाम्पल, कुछ हम एग्जाम्पल यहाँ पर डिस्कस करते हैं कि किस तरह से क्रोनोफार्माकोलॉजी ड्रग्स के इफेक्ट को इंक्रीज कर सकता है या ड्रग्स के इफेक्ट को डिक्रीज कर सकता है। इनमें से पहला एग्जाम्पल हमारा है, दैट इज द ब्लड प्रेशर मैकेनिज्म। जो भी मेडिसिन हम ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करते हैं, रेगुलेट करने के लिए एडमिनिस्टर करते हैं, जनरली हमें इस मेडिसिन को नाइट आवर में एडमिनिस्टर करना चाहिए। उसका सिंपल लॉजिक है कि रात के समय में हमारी बॉडी नॉर्मली ब्लड प्रेशर को डीप कर देती है, ब्लड प्रेशर हमारे बॉडी में लो होगा। यदि हम किसी भी पेशेंट को, जो हाइपरटेंसिव पेशेंट है, उसका ब्लड प्रेशर थोड़ा डिक्रीज हो जाएगा रात में, और उस टाइम यदि हम पेशेंट को ब्लड प्रेशर का मेडिसिन देंगे तो ये मेडिसिन बहुत आसानी से ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कर देगा और हमारे बॉडी के पोजिशन को इम्प्रूव करेगा। इस तरह से हम इस ड्रग के इफेक्टिवनेस को इंक्रीज कर सकते हैं बाय एडमिनिस्टरिंग द ड्रग इट द नाइट आवर। दूसरा एग्जांपल हम लेते हैं, जैसे कोई ड्रग है जो कोलेस्ट्रॉल लेवल को कंट्रोल करता है, फॉर एग्जांपल स्टैटिन। स्टैटिन हमारे बॉडी के अंदर कोलेस्ट्रॉल लेवल को रेगुलेट करता है, कोलेस्ट्रॉल लेवल को कंट्रोल करता है। बॉडी नेचुरली, हमारे बॉडी के अंदर जो कोलेस्ट्रॉल की सिंथेसिस होती है वो नाइट आवर में होती है। यदि हम स्टैटिन को इवनिंग में किसी पर्सन को एडमिनिस्टर करेंगे तो इसका जो इफेक्टिवनेस है वो इफेक्टिवनेस ज़्यादा होगा कंपेयर टू इसका यदि हम एडमिनिस्टर कर रहे हैं मॉर्निंग आवर में। दूसरा एग्जांपल हमारा है कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स का। कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स का यूज़ हम करते हैं टू रिड्यूस द इन्फ्लामेशन, लेकिन कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स का एक साइड इफेक्ट होता है कि यह इनसोम्निया भी प्रोड्यूस करता है, मींस ये रात के नींद को डिस्टर्ब करता है। यदि हम कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स इवनिंग में या नाइट आवर में लेंगे तो हमारी स्लीप डिस्टर्ब होगी, इसलिए ये बेटर इफेक्ट होगा प्रोड्यूस करने के लिए विदाउट एनी साइड इफेक्ट कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स को मॉर्निंग आवर में प्रेस्क्राइब किया जाता है, एडमिनिस्टर किया जाता है, हम इसे नाइट आवर में अवॉइड करते हैं। अगला एग्जांपल है हमारा ड्रग्स टू ट्रीट द अस्थमा। ह्यूमन बॉडी के एयरवेज का, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की ये टेंडेंसी होती है कि मॉर्निंग आवर में, अर्ली मॉर्निंग आवर में ये कॉन्स्ट्रिक्ट करेंगी, और जब ये अर्ली मॉर्निंग आवर में कॉन्स्ट्रिक्ट करती हैं अस्थमेटिक पेशेंट में तो डे टाइम में अस्थमा एग्जग्रेट हो जाता है। यदि हमें अस्थमा के मेडिकेशंस को इफेक्टिवली प्रोड्यूस करना है तब हम इस अस्थमा के मेडिसिंस को एडमिनिस्टर करते हैं इन द मॉर्निंग आवर, क्योंकि हमारी बॉडी के एयरवेज के कॉन्स्ट्रिक्शन से डे टाइम में अस्थमा अटैक आने की चांसेस ज़्यादा होती हैं। उसी तरह से अगला एग्जांपल है, दैट इज द स्लीप मेडिकेशन। हमारे बॉडी के अंदर एक हार्मोन होगा जिसका हम नाम देते हैं मेलाटोनिन। मेलाटोनिन हार्मोन हमारे बॉडी के स्लीप पैटर्न को रेगुलेट करता है, और ये मेलाटोनिन हमारे बॉडी में नाइट आवर में सिक्रीट होती हैं। कोई भी ड्रग जो मेलाटोनिन के इफेक्ट को मिमिक कर रही हैं या वैसा इफेक्ट प्रोड्यूस कर रही हैं, यदि हम वैसे ड्रग को नाइट आवर में देंगे तो इसकी इफेक्टिवनेस इंक्रीज हो जाएगी कंपेयर टू यदि हम इसको ड्रग को मॉर्निंग आवर में एडमिनिस्टर कर रहे हैं। इस तरह से हमने देखा कि क्रोनोफार्माकोलॉजी क्या होता है और क्रोनोफार्माकोलॉजी किस तरह से हमारे बॉडी के ऊपर अफेक्ट करता है। थैंक यू।